नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएस मामा स्पेशल। मैं हूँ गोल्डी और आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी के लड्डू, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। विंटर सीजन में इसे ज़रूर खाना चाहिए और बहुत सारी हेल्दी प्रॉपर्टीज़ लिए हुए होते हैं ये। बट इसे कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमें इसे रॉ बिल्कुल भी नहीं खाना है। हमें जब भी खाना है रोस्ट करके, ग्राइंड करके ही खाना है। रॉ में काफ़ी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। सो हमें जब भी खाना है इसे रोस्ट करके ही खाना है। रोस्ट करके, ग्राइंड करके खाएंगे, उसमें जो पाउंड्री फॉर्म रहता है उससे ये हमारे बॉडी में पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगी और हम इसे पचा पाएंगे। और हमें इस तरीके से ही इसे खाना चाहिए। हमें क्या क्या इससे, अगर हम इसको ऐसे ही खाते हैं तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है, इसका इसकी इमेज मैंने साइड में दी हुई है। अगर आप जानना चाहें तो स्टमक संबंधी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इसलिए आपको इसे कच्चा नहीं खाना है। और चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे मैं इसकी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगी और लड्डू मैं कैसे बना रही हूँ उसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड, यहाँ मैंने ले ली है अलसी, जो कि 1 किलो अलसी है और मैंने बिना घी के यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं जल्दी ही इसमें चिटचिट की आवाज़ आने लगती है, 5 मिनट में भी ये सिक के तैयार हो जाती है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ली हुई होती है इसमें, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, फैटी एसिड्स, विटामिन एंड मिनरल्स तो होते ही हैं, जिससे ये हमारे शरीर में खून की कमी, अच्छी नींद आना, कमजोरी को दूर करती है, एनर्जी बनाए रखती है, 80 से भी ज़्यादा बीमारियों से बचाती है। ये हमें हार्ट की बीमारी हो गई, चाहे बीपी को कंट्रोल करती है लेडीज़ और जेंट्स में, किसी भी प्रकार के हार्मोन्स को संतुलन बनाए रखती है, लेबल बनाए रखती है हार्मोन्स का, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ये। तो बहुत ही जल्दी ये हमारी भूज के तैयार हो चुकी है और अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें। सो आप घर पे इसे ज़रूर बनाएं, विंटर में इसके लड्डू ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सेहतमंद होते हैं इसके लड्डू। और अगर आप दिन में 1 लड्डू भी खा लेंगे तो पूरे दिन भर आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी। और ये है मखाने, वाइट फूल मखाने मैंने 100 ग्राम ले लिए हैं, जो कि चटक थोड़ा सा कुरकुरे होने के बाद ही, बस थोड़े 5 मिनट में ही कुरकुरे हो जाते हैं, बन सिक जाते हैं। सो हमने इसे कुरकुरे करने के बाद ग्राइंड करना है। और ये भी काफ़ी सारे विटामिन्स लिए हुए होते हैं, विटामिन ए, बी, सी और ई होता है इसमें, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी इसमें होता है। इससे भी हमें हमारी जो बढ़ती उम्र है उसका असर कम हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है, कैंसर का भी खतरा कम होता है इसमें, खुल के भूख लगती है। और मैं इसे ग्राइंडर में मिक्सी में पीस रही हूँ ताकि ये पाउडरी फॉर्म में बन जाए। और जैसे ही ये पाउडर करने वाले हैं, ये देख लीजिए यहाँ का, ये मैंने से पीस लिया है। और ये हेल्सी से भी हमने पीस लिया है, दरदरा भी आप भून सकते हैं इसे। और गुड़ है ये 1/2 किलो गुड़, मधुरम गुड़ जो कि पतंजलि का है, मैंने 1 किलो का आता, मैंने 1/2 किलो ही यूज़ किया है। और इसमें 1 कप पानी डाल के मैं इसे 1 तार की चाशनी बना लूँगी। गुड़ भी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आपकी हड्डियाँ मजबूत रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको कैंसर जैसी समस्याओं से भी इससे मिल जाता है। और गुड़ में खून की कमी दूर करता है, हड्डियां मजबूत बना के रखता है, थकान, कमजोरी, कमर दर्द, सिर दर्द के लिए भी ये रामबाण इलाज होता है ये। तो बहुत ही अच्छे होते हैं इसके लड्डू। और जैसे ही ये थोड़ा सा, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको 1 उबाल आने पर 1 तार की चाशनी बनाने तक ही हमें इसे पकाना है। तो बस ये थोड़े देर में ही पक के तैयार हो जाने वाला है। चाशनी तैयार करते हुए हम साथ में ड्राई फ्रूट्स भी रेडी करके रख ले रहे हैं, कट करके रख सकते हैं आप। मैंने ग्राइंडर में क्रश करके रखा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी खाने की समस्या होती है, आप क्रंची बनाने के लिए इसे कट करके रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, बीपी कंट्रोल करते हैं, ये हाइपरटेंशन को ख़त्म करते हैं, हर तरीके की बीमारी को उसे लड़ने में बचाते हैं, हमारे शरीर को हड्डियाँ मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आँखों की बीमारियों को ख़त्म करते हैं, मेमोरी बढ़ाते हैं और मौसम संबंधी बीमारियों
बीमारियों को भी हमसे हमारे शरीर को बचाते हैं और इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, खून और एनर्जी को बनाए रखते हैं शरीर में, कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राई फ्रूट डालें। मैंने कुछ इलायची भी इसमें डाली हुई थी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। सभी मिक्सचर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है ताकि सभी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद इसका टेस्ट अच्छे से आता है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से करें। हाथ में आप ऑयल लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने थाप लिया है ताकि नीचे का जो हमारा मिक्सचर है वो ठंडा ना हो सके। हल्का गुनगुने मिक्सचर में ही हमें लड्डू बना पाते हैं हम। अगर ये मिक्सचर ज़्यादा ठंडा हो जाता तो आप इसे कढ़ाई रख के फिर से गर्म कर सकते हैं। और लेमन शेप में मैंने छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं, इसे आप महीने भर रख सकते हैं स्टोर करके अपने खाने के लिए। मॉर्निंग में आप एक ले सकते हैं और नाइट में भी आप एक ले सकते हैं दूध के साथ, चाहे पानी में। काफ़ी अच्छे होते हैं, ताकत एनर्जी बनाए रखते हैं शरीर में। और सो फ्रेंड, यहाँ हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। ठंडी गर्म तासीर होने के कारण आप इन्हें विंटर में ही बनाएं, समर में ना ही बनाएं, क्योंकि ये गर्म होते हैं काफ़ी और काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो विंटर्स में ही हम पचा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।